अगर आपने अभी तक इन्फो क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक ऐसा आदमी जो 6 बार मरा। बात है 18वीं सदी में फ्रांसीसी सेना के जनरल बैप्टिस्टे की, जिनको युद्ध स्थल में 5 बार मृत घोषित किया गया था और दफनाते समय प्रत्येक बार वो जिंदा हो उठते थे। उन्होंने फ्रांसीसी सेना की कुल 55 वर्ष तक सेवा की और 75 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। वो कहते हैं ना, झाको रखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रांस के कैसिमीर पोलेमस नामक व्यक्ति के साथ, जो समुद्र में 3 बार जहाज दुर्घटनाओं में फंस गया था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि हर बार सिर्फ वो अकेला ही उन घटनाओं में बचा। पहली दुर्घटना GNN कैथरीन नामक जहाज के साथ 11 जुलाई 1875 को ब्रेस्ट के पास हुई। दूसरी दुर्घटना ट्रॉयज फेरिस नामक जहाज के साथ 4 सितंबर 1880 को ब्रिस्के की खाड़ी में हुई। और तीसरी दुर्घटना एल ओडियन नामक जहाज के साथ 1 जनवरी 1882 को न्यूफाउंडलैंड के पास हुई। अब विश्वसनीय बात तो यह है कि तीनों दुर्घटनाओं में बचने वाला एकमात्र वही व्यक्ति था। एक ऐसी लड़की जो अपने बार के 100 गुना सोने में खरीदी गई। बात है 14वीं शताब्दी की प्रिंसेस आइजाबेल की, जो फ्रांस के राजा जॉन द गुड की पुत्री थी। उस समय 100 सालों के युद्धों के कारण फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट के साथ गुजर रहा था। अपने पिता को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए राजा ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री को मिलान के राजा ड्यूक गोलियस दो को बेच दिया। ड्यूक गोलियस दो ने आइजाबेल को अपने बेटे जीन गैलियस के साथ जून 1360 में शादी करवा दी। आइजाबेल के युवज में इनके वजन से 100 गुना ज़्यादा सोना इनके पिता को दिया गया था। उस वक्त आइजाबेल का वजन 35 किलो था, इसलिए इनके पिता को 3500 किलो सोना दिया गया था। आइजाबेल की मृत्यु सितंबर 11, 1372 में सिर्फ 24 साल की उम्र में अंतिम बच्चे के जन्म के परिणाम रूप हुई। अंत में आपको फारसी कवि अब्दुल फैजी की एक बात बताता चलूं। कवि अब्दुल फैजी ने बादशाह अकबर के 3 पुत्रों को 15 वर्ष तक पढ़ाया था। उन्हें वेतन के स्वरूप में जो सोना प्रतिवर्ष मिलता था वह उन 3 शिष्यों के भार के बराबर होता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।